ஆத்திரியே. ठीक है हाँ नहीं 10-11 अब यहाँ से हम लोग गेट के अंदर जाऊंगा इधर जो ऑनलाइन में जो टिकट कटाए हैं ये इस तरफ आके चेक करा सकते हैं और चेक कराने के बाद नाम कटाने के बाद अंदर की ओर प्रस्थान करेंगे हम लोग अब और अंदर में इतना साफ सुथरा रहता है कि जितना भी कर्मचारी लोग काम करते हैं देखिए उधर सब लोग लगे हुए काम करने के लिए बहुत साफ सफाई रहता है इधर और इस बच्चा को देखिए की हालत है देख रहा है और बहुत डर रहा है नाच रहा है कूद रहा है इस बाग के सामने फोटो क्लिक करवा सकते हैं बहुत अच्छा फोटो वो कौन जानवर है फिर दो शेर मुंह फाड़े हुए शेर नहीं बना हुआ है ठीक है हमारे माता से चप्पल खोलकर गौतम बुद्ध भगवान को प्रणाम करते हैं अब यहाँ से हम लोग अंदर की ओर प्रस्थान करेंगे जो कि ग्लास ब्रिज के नेचर सफारी के लिए रास्ता है ये इस तरफ जू सफारी जाने का रास्ता है और आगे की ओर उस गेट से चलिए मैं ले जाता हूँ आप लोग को देखिए इस गेट से नेचर सफारी जा सकते हो नेचर सफारी के लिए ये रास्ता है अब हम लोग यहाँ पे टिकट चेक करवाएंगे और हम लोग का नाम कटा जाएगा फिर यहाँ पे देखिए अब हम लोग तैयार हो गए हैं नेक्स्ट बस आने के लिए जो कि अभी मेरा बस धोवा रहा है ये बस खुल चुका है यहाँ से और वह उधर देखिए वो बस खड़ा हुआ है क्योंकि तो पानी से अभी धोया जा रहा है क्योंकि तो बस साफ़ सुथरा चलाया जाता है यहाँ और जैसे ही बस अब यहाँ पर आके रुकेगी तो फिर हम लोग अब बैठ कर खेलेंगे इस तरह देखिए अयांश राज खेल रहा है ऊपर नीचे हो रहा है अब हम लोग का बस देखिए आ गया है और जैसे ही गाड़ी लगेगी फिर हम लोग का बैठने के लिए अनुमति दिया जाएगा फिर हम लोग बैठ करके ग्लास ब्रिज के लिए प्रस्थान करेंगे इस बस में टोटल 40 से 45 सीटें रहते हैं जो कि एक बस में होता है एक और अब यहाँ से रास्ता शुरू हो चुका है ग्लास ब्रिज के लिए जो कि 8 किलोमीटर दूर है और अब हम लोग पहुँच चुके हैं ग्लास ब्रिज और यहाँ से देखिए सीढ़ी है सीढ़ी पर चढ़े हैं ग्लास ब्रिज के लिए और फिर उस तरफ देखिए सस्पेंशन ब्रिज है जो कि ग्लास ब्रिज के टिकट में आ जाती है बाहर और यहाँ पे ग्लास ब्रिज चढ़ने से पहले चप्पल या जूता जो कुछ भी हो खोलना पड़ता है और ग्लास ब्रिज पे चढ़ने की अनुमति उसी को दिया जाता है जो 4 फीट से लंबा और 6 वर्ष से ऊपर होता है यात्री
साइड से जब भी ग्लास ब्रिज के ऊपर चलें तो नीचे की ओर ना देखिएगा, नहीं तो बहुत सारा डर लगेगा। और देखिए इधर साइड से वीडियो बनाए ग्लास ब्रिज का, कुछ लोग डर डर के चल रहे हैं, बहुत डर लगता है नीचे ना देखें। सस्पेंशन पुल को झूले वाला झूलुआ आने जाहिन आने जाहिन जाओ। अब हम लोग सस्पेंशन ब्रिज के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सस्पेंशन ब्रिज घूमने के लिए आए तो बट यहाँ पे कुछ इस तरह नजर आ था कि आने के बाद पता चला कि ब्रिज ही बंद है, आज कुछ काम चल रहा है ब्रिज में। देखिए कुछ इस तरह नज़ारा है और उस तरफ कुछ कुछ स्टैचू बना हुआ है मनुष्य का। देखिए तकनीकी के कारण कुछ बना हुआ है, मेंटेनेंस चल रहा है कुछ। सस्पेंशन ब्रिज बंद होने के कारण अब हम लोग उतरते हुए वहां से चल दिए हैं और अब आइए हम आप लोग को म्यूजियम दिखाते हैं। नेचर सफारी का सफर अब हम लोग का यहाँ तक खत्म होता है। अब यहाँ से विश्व शांति स्तूप का स्टार्ट होता है। चलो मैं ले चलता हूँ विश्व शांति स्तूप, जो कि एक न्यू रज्जू मार्ग जो पुराना वाला था बंद हो गया, न्यू लिफ्ट से अभी स्टार्ट हुआ है। और यहाँ से लिफ्ट से उतरते हुए हमारे फैमिली लोग, देखिए मैं हम लोग पहुँच गया हूँ विश्व शांति स्तूप। विश्व शांति स्तूप में बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए थे, जो कि कुछ हमारे सब्सक्राइबर लोग मिल गए हैं। मैं क्या करूं, तो हमारे सब्सक्राइबर लोग कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। यूट्यूब पे तो आ गए बच्चे लोग भी खुश हो गए और मंकी इधर देख रहे थे बच्चे लोग को। बच्चे डर गए, बंदर से ये बंदर देखो अपने बच्चे का दूध पिला रहे हैं। ये हमारे राजगीर का बिहार का विश्व शांति स्तूप है और ये हमारे बौद्ध धर्म भिक्षु। इधर देखिए सिर्फ मंकी लोग हैं, बहुत सारे मंकी लोग जो कि खाने पीने के लिए इंतजार कर रहे हैं, कौन हम लोग को खाने दे देगा। इधर बहुत सारे मंकी लोग आ गया, यहाँ पे कुछ भुंजा छिटा हुआ था। और इधर एक भले आदमी इस मंकी को, इस प्यासे मंकी को, प्यासे बंदर को पानी पिला रहे हैं। इतने अच्छे से मैं आदमी की तरह ये बंदर पानी पीता है। देखो आज एक दूसरे को ढीला है रहा। पी 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 आराम से इधर तो एक अब खाने के लिए मांगा छीन लिया, क्योंकि इनको बंदर को बहुत सारा भूख लगा हुआ था, लेकिन इसको नहीं मिलने पे बैग ही छीन लेता है। तो इसको बिस्कुट दिया जाता है, बिस्कुट देने पे बैग छोड़ देता है। तो देखिए बिस्कुट दिया गया है, बिस्कुट मिला जैसे ही बैग छोड़ दिया।
जब भी जाते हैं वहाँ तो अपना बैग का ख्याल रखें। और जैसे ही विश्व शांति स्तूप से नीचे उतरें, यहाँ हम लोग को कुछ बौद्ध धर्म के भिक्षु लोग मिले भगवा रंग में। आप लोग हमारे साथ बने रहें, हमारा सफ़र खत्म।